हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NSD मार्ट्री। आज में हम दोस्तों आज आपके सामने एक नया आइटम लेकर आए हैं जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। इस आइटम का काफ़ी टाइम से लोग बाग इंतजार कर रहे थे और हम भी इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए दोस्त आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को प्रेस करके ऑल पर सेट जरूर कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली हर एक नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, हमारा भी हौसला बुलंद होता है यार। लाइक करते हैं वीडियो को तो बहुत अच्छा, दिल को खुशी होती है दोस्तों। ज़रूरी कि माल आप हमसे लो, माल कहीं से भी लो, लेकिन जानकारी आप पूरी ले लो। जानकारी लेकर पूरी वीडियो देखो, आप जहाँ से दिल करे आप वहाँ से माल लीजिए। जहाँ से आपको सस्ता लगे और अच्छा मिले तो आप वहाँ से माल लीजिए दोस्तों। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको वीडियो अगर दिखा रहे तो आप हमसे ही माल लो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा दोस्तों। आप कहीं से माल ले सकते हो, आप हमारी वीडियो देखें, जानकारी लें, फिर कहीं और किसी और की वीडियो देखें उससे माल लें आप, ये ज़रूरी आप। लेकिन हम जो आज आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, बिल्कुल नया आइटम ये है, ऑटो ऑन बल्ब है दोस्तों। ये पहले आपने देखा होगा, ये होल्डर चलता था और आज भी चलता है दोस्तों। ये होल्डर को भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए सेंसर होल्डर है। मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा दोस्तों। काफ़ी पुरानी वीडियो है दोस्तों, उसमें बहुत डिफरेंट है, मैं आपको बता दूँ वीडियो में भी बनाने का तरीका भी, क्योंकि बहुत पहले कभी हमने यूट्यूब चैनल पर पहली बार जब बनाई थी वो, लेकिन काफ़ी पुरानी वीडियो दोस्तों वो। उसके ऊपर रेट पर मत जाना, लेकिन रेट आज के हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके केवल इसके सिर्फ किस तरीके से काम करता है उसके अंदर आप ये देख सकते हैं। ये होल्डर है, एक ये होल्डर है दोस्तों और एक ये ऑटो ऑन बल्ब है। इस बल्ब के अंदर क्या खास बात है ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जलाकर दिखाता हूँ। देखो इस बल्ब के अंदर आप इसको यहाँ पर कमरे में जला देंगे, ये देखिए, यह है 12 वाट का, और आप इसको कमरे के अंदर जला देंगे ना, इसको आप कमरे में जला देंगे। कमरे में जलाने के बाद कोई भी नहीं होगा तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं अभी ऊपर कमरे में आ चुका हूँ और इस कमरे के अंदर कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूँ, सब नीचे जा चुके हैं, कोई भी नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये बल्ब मैंने यहाँ पर लगा दिया है, अभी आपको इसके आपके सामने इसकी ट्राई होने वाली है। और इस बल्ब का ऑटो ऑन बल्ब जो है, ये सेंसर वाला जो होल्डर है, सेंसर वाला जो बल्ब है, ये इसके लगभग 2 मिनट के अंदर ये बंद होने वाला है। 2 मिनट के अंदर, जब मैं जाऊंगा यहाँ, मेरे जाने के बाद 2 मिनट बाद होएगा बंद होने वाला है, क्योंकि ये अगर कोई भी इंसान अंदर होगा तो बल्ब ये नहीं बंद होगा और हमारे जाने के बाद ये बंद होने वाला। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, मैं इससे निकलता हूँ और आप टाइम देखना, उसके बाद फिर इसका टाइम भी देखना आप। मैं अभी नीचे जा रहा हूँ दोस्तों। फ्रेंड्स, ये देखो अब ये ऊपर बल्ब जल रहा है यहाँ पर, ये आपके सामने, और मैं बिल्कुल एक साइड में धूप, बिल्कुल नीचे हूँ धूप का हुआ, जिससे कि मैं इस बल्ब को ना दिखाई दूँ, क्योंकि इस बल्ब की आँख जो है ना बहुत ख़तरनाक है, देखती है ना, ये बंद नहीं होने का अगर मैं इसके सामने रहा तो, इसलिए मैं बिल्कुल ओलट में आया हूँ। गाइस देखो, गाइस हो गया बंद, देखो गाइस हो गया बंद, लगभग 2 मिनट भी नहीं हुई होंगे, शायद 1.5 मिनट के अंदर ही बंद हो गया होगा। और अभी मैं देखो इसके सामने जाने वाला हूँ बल्ब के, देखो ये देखो मेरे सामने आते ही, इसके सामने आते ही बल्ब जल गया, देखो। तो गाइस यहाँ पर देखा आपने, अंधेरा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर चेहरा भी साफ नहीं आ रहा है बिल्कुल, इसीलिए अभी हम चलते हैं फिर नीचे उजाले के अंदर अभी। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से कितना बढ़िया जादू बल्ब है, अगर हम कमरे में से आ जाएंगे तो ये सोच लो कि बल्ब 1.5 से 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, आपके सामने ही लाइव हुआ। इसके अंदर कोई कटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं कोई सुच, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हम बिल्कुल बाहर आ गए थे, नीचे आ गए थे, थोड़ा सा देख रहे थे हम बस उजाला कहाँ से दिख रहा कहाँ से नहीं, बस उजाला देख रहे थे हम। और जैसे ही हम उसके सामने गए, ये बल्ब जल गया। इसकी आँखें बहुत ख़तरनाक है दोस्तों, ये आँखों वाला बल्ब है, इस बल्ब की आँखें हमारे आँखों से भी तेज हैं। और ये ऑटो ऑन, हाँ दोस्तों, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको इस बुक इससे, ये जैसे सेंसर वाला होल्डर है ऐसे ही सेंसर वाला ये है, इसके अंदर बल्ब नहीं होता, आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं। ये भी 230 रुपये का है दोस्तों, ये सेंसर होल्डर, एक सेंसर होल्डर छोटा आता है,
लेकिन ये बेस्ट होता है, ये जो होता है बहुत अच्छा वाला होता है। तो ये 230 रुपए का होल्डर है इस टाइम, पहले 220 का हुआ करता था, अब ये 230 का। बल्ब आपको भी 230 का ही मिलेगा, ये बल्ब भी 230 का आपके लिए, ये बल्ब भी 230 का मिलेगा आपको, ये होल्डर भी, सेंसर वाला होल्डर भी आपको 230 रुपए का मिलेगा दोस्तों। लेकिन हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखो इस डब्बे के ऊपर एक साल गारंटी लिखी हुई है और MRP इस पर लिखी हुई है 599 रुपये, 600 रुपये लिखे हुए, मतलब इस पर 600 रुपये MRP है गाइस, और एक साल इस पर वारंटी लिखी हुई है। लेकिन इसकी गारंटी नहीं आती है, हम लोग गारंटी नहीं देते, मैं आपको बता दूँ। आप 600 रुपये का बेचेंगे तो गारंटी आप दे सकते हैं, और ये 12 वाट का है, लाइट भी अच्छी है, लेकिन जनाब गारंटी हम नहीं देते, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कॉल करके पता कर लेना पहले ही आप, गारंटी हम लोग नहीं देने के, किसी भी आइटम की हम गारंटी नहीं देते, मैं आपको पहले बोल दूँ। कभी आप बाद में कहो जी आप गारंटी लीजिए, बिल्कुल नहीं, 600 रुपये आप हमें दीजिए, हम आपको देंगे गारंटी। आप 600 की जगह आप हमें 400 रुपये देंगे आप, तो हम भी तब भी आपको गारंटी में देंगे। आप 600 रुपये का बेचिए आप इसको रिटेल के अंदर, 550 का बेचो आप इसे रिटेल के अंदर। तो दोस्तों इसीलिए पहली बात, हम गारंटी देते नहीं है किसी भी माल की, मैं आपको दूँ। लेकिन डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है एक साल की वारंटी, एक साल की वारंटी में तो ये 400 रुपये का होता है, और होलसेल रेट 400 रुपये का होलसेल रेट, और क्या कहते हैं दोस्तों। लेकिन हम गारंटी देते ही नहीं है, ना ही हम सिंगल पीस देते, मैं आपको बता दूँ। लेकिन 230 रुपये का सिंगल पीस है, आप सिंगल पीस होलसेल रेट, मिनिमम मिनिमम आपको कम से कम 25 बल्ब आपको लेने पड़ेंगे, 25 बल्ब आप लेंगे। अगर और माल ले रहे हैं उसके साथ तो आप 10 बल्ब भी ले सकते हैं, वरना तो आपको 25 बल्ब लेने ही लेने होंगे, तब आप ले सकते हैं 230 रुपये का। तो दोस्तों और होल्डर भी 230 रुपये का है, ये पहले 220 का था, अब 230 का है ये सेंसर होल्डर। 150 रुपये का भी होल्डर आता है, मैं आपको बता दूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोस्तों, हर चीज़ का फ़र्क होता है। तो दोस्तों जो आपको ये वीडियो कैसी लगी, हम और आपको अच्छे अच्छे आइटम्स लाकर दिखाते रहेंगे, हम आपको इसके अंदर लाइव भी दिखाया किस तरीके से बंद होता है, किस तरीके से चलता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले, जो हमारे चैनल पर नए दोस्त आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने तब बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।